अक्सर क्या होता है कि समय ना होने की वजह से घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में हमें बड़ा आलस आता है। कैसे करें, कैसे झटपट इन कामों को निपटा दें कि हमारा सारा काम हो जाए और हमारा समय भी व्यर्थ ना हो और पैसा भी बर्बाद ना हो। तो चलिए, आज का ये वीडियो है ना बहुत यूजफुल का है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रखा हुआ है मैंने दीपक, जो रोज़ हम अपने पूजा घर में यूज करते हैं, और समय समय पर यदि हम इसकी सफाई ना करें तो इसके ये हाल हो जाते हैं, बहुत गंदा हो जाता है और इसको साफ़ करने में बहुत समय लगता है। तो आज मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर कर रही हूँ ना, जिससे आपका जो दीपक है ना झटपट साफ़ हो जाएगा और इसको साफ़ करने में हमें समय भी नहीं लगेगा। तो बस करना हमें क्या है ना कि एक आधा चम्मच सोडा लेंगे और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे। सोडा और नींबू एक्टिवेट हो जाएगा और इसके रिएक्शन से हमारा जो पीतल का दिया है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पीतल के जितने भी बर्तन हैं ना, वो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं नींबू और सोडा की मदद से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा स्क्रब कर दूँगी, रगड़ दूँगी, और चुटकियों में आप देख सकते हैं अभी भी ये देखिए कितना बढ़िया ये साफ़ हो, जबकि मैंने इसको थोड़ा सा ही साफ़ किया है 2 मिनट। और बस इसको साफ़ पानी से क्लीन कर देंगे और कपड़े से पोंछ देंगे। इसके बाद देखिए आप, बिल्कुल दीपक चमक गया। इसमें मैंने किसी भी चीज़ का, किसी भी पाउडर, सोडा, साबुन कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा नींबू में सोडा लगा के इसको स्क्रब कर दिया था, झटपट साफ़ हो गया है। तो बताइए फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? आई होप आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हम बाज़ार जाते हैं और पनीर लेके आते हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही सा पनीर यदि हमारे घर में आ जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है कि यार इसको लंबे समय तक स्टोर कैसे रखें, क्योंकि पनीर एक ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो बस करना हमें क्या है, एक कटोरी लेंगे और उसको पूरा पानी से भर देंगे और इसमें रख देंगे पनीर को, यानी पनीर पूरा डूबना चाहिए, और बस इसमें को हम फ्रिज में रख देंगे तो हफ्ते भर भी फ्रेश बना रहेगा ये आपका पनीर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये बाटलें तो हर घर में होती हैं, तो बस इसको यूज करने के बाद हम इसको फेंक देते हैं ये, लेकिन ये बाटलें बहुत यूज की होती हैं जिनमें ये ड्रिंक वगैरह आता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। तो बस इसको मैं बीच में से काट दूंगी। और ये देखिए, मेरा घर का गार्डन है, देखिए मैंने किस तरीके से सारी बाटलों का यूज किया हुआ है। हैंगिंग प्लांट इसमें लगाए हुए हैं, मनी प्लांट लगाए हुए हैं। थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे इसमें और एक छोटा सा छेद कर देंगे, फिर देखिए कितने सुंदर ये लगते हैं। तो आगे से आपके घर में जब भी ये बोतलें आती हैं आप इस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये कैंची, नाइफ और ये है नेल कटर, जो यूज करते करते ख़राब हो जाते हैं और इनकी धार भी ख़राब हो जाती है। कैंची बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जंग भी लग गई थी इसमें और ये ठीक से काम भी नहीं कर रही थी। इससे कुछ भी मैं काटती थी ना तो ये ठीक से कटता ही नहीं था। नेल कटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और नाइफ भी इसी तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, जुगाड़ू तरीके से इसकी नाइफ, कैंची और इन सारी चीज़ों की धार को हम तेज करते हैं। ये देखिए, नाइफ तो कितना गंदा हो गया था, यूज करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज एक वीडियो बनाकर इसी में इसकी धार को तेज किया जाए। तो ये है मेरे पास दवाइयों का रैपर जो हर घर में होता है। ये बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से नाइफ को तेज करने का एक बिल्कुल आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड बहुत कमाल की टिप्स है ये। तो बस करना हमें क्या है ना, कैंची से इसके छोटे छोटे से पीस कर देंगे हम इस तरीके से, और फिर देखना आपकी जो कैंची की धार है ना एकदम से तेज़ हो जाएगी। कुछ भी चीज़ आप काटेंगे ना उससे झटपट कट जाएगा बिना पैसे की। बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से बहुत कमाल की टिप्स है फ्रेंड, करके देखना, बहुत मज़ा आएगा और सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे आपके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनको हम फेंक देते हैं लेकिन बहुत कमाल की होती है, उनको यूज करने का तरीका हमें पता नहीं होता है। और बस रैपर से ही इसको हम घिस देंगे, इसकी जो सारी जंग है ना वो भी निकल जाएगी और कैंची बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और पहले की तरह वो काम करने लगेगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने नाइफ को भी ऐसे ही किया, इसको घिस दिया है, बिल्कुल नाइफ की जो धार है ना वो भी अच्छे से तेज हो जाएगी। और इसी तरीके से नेल कटर को भी हम करेंगे, नेल कटर से छोटे छोटे से इसके पीस कर देंगे तो उसकी जो धार है वो भी तेज़ हो जाएगी और नेल कटर से नेल आसानी से कट जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको वीडियो में करके बता लूँ ना, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। क्यों पैसे बर्बाद करना जब घर में ही सारी चीज़ों को जुगाड़ू तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसके छोटे छोटे से हम पीस कर देंगे ना तो नेल कटर की जो धार है ना वो भी अच्छी हो जाएगी और हमारा नेल कटर भी अच्छे से काम करने लगेगा। ये देखिए, ऐसे करेंगे पूरा रैपर इसी तरीके से काट देंगे, छोटे छोटे से पीस काट देंगे ना तो बस नेल कटर की धार भी तेज हो जाएगी। और ये देखिए,
बेस्ट से बेस्ट चीज़ का उपयोग भी हो जाएगा, मतलब जो रैपर हमें फेंकना था ना उससे हमारे सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अक्सर क्या होता है कि साबुन यूज करने के बाद इसके छोटे छोटे से टुकड़े बच जाते हैं और बड़ा सिरदर्द होता है यार, इनको कैसे हम यूज करें। और बस करना हमें क्या है ना कि आज का जो वीडियो ना बहुत यूजफुल का है, इस खासकर साबुन को यूज करने का मैं आपको बहुत बढ़िया एक तरीका बता रही हूँ जिसको आप अपनी सारी साबुनों को बहुत बेस्ट यूज कर सकते हैं। ये ख़राब शौक से मेरी बेटी का, इसमें सारी साबुनों को हम डाल देंगे और ये बहुत अच्छा स्क्रब बनने का काम करेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको करके बताती हूँ। सारी साबुनों को डालने के बाद ऊपर तो मैंने एक रबड़ लगा दी थी और ये देखिए इससे कितने अच्छे से हाथ साबुन ऊपर घिसे नीचे हर जगह घिस सकते हैं। और ये वॉश बेसन है ना, इसको भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं, टैप भी इसे साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए एकदम से हाथ मेरा क्लीन हो गया। तो जब भी साबुन बचती है ना आपके घर में, छोटे छोटे से टुकड़े बेस्ट टुकड़े जो होते हैं वो बचते हैं, तो उनको एक सॉक्स में डाल के रबड़ लगा दीजिए और ये बहुत अच्छा यूज ब्रांड। ये देखिए मैं इस तरीके से ये टाइल्स भी साफ़ कर रही हूँ, टैप भी साफ़ कर रही हूँ और वॉश बेसन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उनको सॉक्स में डाल के आप इस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं, बहुत बेस्ट यूज है फ्रेंड। आई होप आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अक्सर क्या होता है कि हम घी निकालते हैं घर में, लेकिन वो सारा घी छन्नी से बाहर नहीं निकल पाता है। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं ये घी निकाली हूँ ना, लेकिन मेरा छन्नी से पूरा घी नहीं निकल पाता है, बड़ा हेडेक होता है इसको कैसे निकालें। तो बस करना मैं क्या, एक प्लेट में आटा लेंगे और जिसमें ये खोबा रखा हो ना जिससे हमने घी छाना था उसको रख देंगे आटे के ऊपर। ये देखिए पूरा घी सोख लेगा आटा। और बस फिर आप इससे मठरी बनाइए, कुछ भी चीज़ जो होती है ना, खस्ते बनाइए, मठरी बनाइए, सलोनी बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें ये मौन का काम करेगा। ये देखिए सारा घी आटे ने अच्छे से सोख लिया है। और देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स। अब ये जो खोबा बचा है ना इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे शक्कर और इलायची का पाउडर, तो ये बहुत अच्छी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मलाई को स्टोर करके हमें फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है। यदि आप उसको फ्रिज में रखेंगे ना तो उसमें से स्मेल आने लगेगी 4 से 5 दिन में ही। तो उसको फ्रीजर में रखेंगे तो कम से कम आप 8 या 10 दिन तक भी स्टोर करके रखेंगे ना तो आपकी जो मलाई है ना फ्रेश बनी रहेगी, उस वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम मलाई को स्टोर करते हैं ना तो उसको फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सी हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये जो टिप्स है ना फ्रेंड बहुत यूजफुल है, खासकर लेडीजों के लिए। अक्सर क्या होता है महंगे महंगे साड़ी पिन बाजार से लेके आते हैं, यूज करते करते उनके पीछे की पिन टूट जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसका क्या करें, कैसे उपयोग करें, और बस उसको अलग कर देते। ये देखिए कितने महंगे महंगे आते हैं अच्छे साड़ी पिन, अगर बाजार में लेने जाए ना तो 100 रुपये से सस्ता तो कोई साड़ी पिन आता ही नहीं है। मेरे बहुत सारे साड़ी पिन इस तरीके से टूट गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बस करना मैं क्या है कि इस तरीके से इसके जो जॉइंट होते हैं ना पीछे के, उसको हम खोल के ये अलग कर देंगे इसके पार्ट को। और फिर ये देखिए इसको अलग कर दिया है मैंने। और बस ना मैं ना बाज़ार से ये छोटे छोटे से साड़ी पिन लेके आई थी, एक दर्जन साड़ी पिन आता है 5 रुपये का, बहुत सस्ता आता है प्लास्टिक का ये, और बस उसको इस तरीके से हम फंसा देंगे 5 रुपये में 12 आ जाते। फ्रेंड बहुत जुगाड़ू काम है, करके देखिए इतने बढ़िया तरीके से आपके साड़ी पिन जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिसको हम फेंकते थे ना अब आप कभी ज़िंदगी में इसको फेंकेंगे नहीं, और सिर्फ 5 रुपये का खेल है, 5 रुपये में 12 आ जाते हैं आपके जितने भी साड़ी पेन है ना, सिर्फ 5 रुपये में चुटकियों में सही हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने ये साड़ी पेन अपना सही कर लिया है। ये देखिए इसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, कैसे भी फंसाइए, अब ये बिल्कुल मजबूत हो गया है और बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं। ये देखिए खोल के दिखाया ना मैंने आपको, चुटकियों का काम है फ्रेंड, सिर्फ 5 रुपये का खेल है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं दूसरा भी आपको करके दिखा रही हूँ, पहले भी ऐसे ही मेरे साड़ी पिन टूट जाते थे जब भी मैं यूज करती थी, मुझे बहुत दुख होता था कि इतने सुंदर सुंदर साड़ी पिन यार टूट जाते हैं, क्या यूज करूँ ना। फिर मैंने सोचा यार चलो बाज़ार से 5 रुपये के, मुझे बाज़ार गई थी मैं तो मुझे ये छोटे छोटे से साड़ी पिन दिख गए थे 5 रुपये के बाहर आए थे। तो बस मैंने ये जुगाड़ू काम किया और बस ये सक्सेस हो गया। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो है ना फ्रेंड कमाल का वीडियो, जब भी आपके साड़ी पिन टूटते हैं तो बाज़ार से 5 रुपये के 12 साड़ी पिन लेके आइए,
और ये मजबूत होते हैं, कोई नाजुक नहीं होते हैं कि जल्दी टूट जाएंगे, बहुत मजबूत होते हैं ये। और बस ये देखिए इस तरीके से आपने देखा ना, इसके जॉइंट को हम इसमें लगा देंगे तो ये बन गया ना, कितना बढ़िया आपका साड़ी पिन, बिल्कुल जुगाड़ू काम है फ्रेंड। कम पैसे में, कम समय में इतनी बढ़िया चीज़ें हमारी तैयार हो जाती हैं और हमें आइडिया नहीं होता कि इनका हमें किस तरीके से यूज करना है। ये देखिए हो गया ना रेडी। तो फ्रेंड बताइए, मैंने इतनी सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, इसमें से सबसे अच्छी सबसे बेस्ट टिप्स आपको कौन सी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इतने सारे साड़ी पिन हैं, मैं सारे साड़ी पिन को चुटकियों में सही कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स। तो देखिए फ्रेंड आज की वीडियो में मैंने कितनी सारी यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, जिसमें आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा और झटपट आपका सारा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इनमें से सबसे बेस्ट टिप्स आपको कौन सी लगी है। ये देखिए ये साड़ी पिन भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, इसको भी मैंने अच्छे से रिपेयर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।